item number 2. Thank you, Honorable Deputy Speaker Saab. I would like to invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding continued humiliation of Pashtuns of Pakistan at the hands of law enforcing agencies on one pretext or the other, thus threatening them as a hardcore criminals in simple litigation, civil litigations and disputes, causing grave concern amongst the public. G.S. Iqbal, Minister for Interior, to make a brief statement. Minister Saab, ye aap apni seat pe hain, dusri seat hai aapki. Ji aap. Malik Saab baithe hain. Ye kal bhi order of the day pe tha, Minister Saab, aur aaj bhi. Lekin aapke ministry se na koi J.S. na S.O. not even Secretary Interior, koi bhi nahi tha, aur ispe shadid jo hai wo protest house ki taraf se kiya gaya. Un logon ke khilaf aap action le aur phir स्पीकर ऑफिस को भेजे कि वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं थे जी. मैं चेक कर लेता हूँ जी, इसकी इंक्वायरी कर लेता हूँ. सबसे पहले तो जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से अपने तमाम फाजिल अराकीन कौमी असम्बली को, जिन्होंने ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस मूव किया है, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका किसी भी पाकिस्तान में बसने वाले शहरी के खिलाफ कोई तासुब पे मबनी रवैया नहीं है, ना पॉलिसी है. लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर तमाम पाकिस्तान के शहरियों को एक ही नज़र से देखा जाता है और एक ही एहतराम के साथ देखा जाता है. लिहाजा इस किस्म की शिकायत के किसी के साथ नस्ली बुनियाद पर या किसी के साथ लिसानी बुनियाद पर या किसी के साथ मजहबी बुनियाद पर पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट में तमीज़ की जाए, ये आईन के भी ख़िलाफ़ है, कानून के भी ख़िलाफ़ है और किसी पॉलिसी में शामिल नहीं है. पाकिस्तान की जो पश्तून आबादी है या वो इलाके जहाँ पर पश्तो बोलने वाले हमारे भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, उन इलाकों ने बहुत कुर्बानी दी है और बिलखसूस दहशतगर्दी का वो बहुत निशाना बने हैं और उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं. हम दरअसल उनकी उन कुर्बानियों का एहतराम करते हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं और हम समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के इस्तेहकाम में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है. लिहाजा मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो किसी भी इलाके में किसी भी ज़बान या नस्ल के अवाम के साथ या शहरियों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखती. बहुत शुक्रिया जी. शेरियार अफरीद साहब, आप एक सवाल पूछ लें. वंस अगेन अल्लाह करे जो मिनिस्टर साहब ने कहा, नादरा कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. नादरा के रीजनल ऑफिसेज में बाकायदा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पे मेंशन है पॉइंट नंबर 7 कि कोई भी आइडेंटिटी स्पेशली पश्तूंस उनको साइड पे किया जाए, उनको डाउटफुल और वो लोग जो के पाकिस्तान के नेशनलिटी में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उन कैटेगरी में और उस डेस्क में भेजा जाए. अगर पाकिस्तान 7 फेडरेटिंग यूनिट्स पे कॉम्प्रोमाइज करता है तो वाय पश्तूंस, नंबर 1. नंबर 2, कमिंग बैक टू दिस कॉलिंग अटेंशन, इरफान वली कम्स फ्रॉम सवाबी, सलमान वली ही इज ऑल्सो फ्रॉम सवाबी, दो सगे भाई है. F-74 में करोड़ों की जायदाद खरीदते हैं, उन दोनों को सजा इसलिए दी जाती है कि सिविल मैटर में कोई FIR नहीं होता. कोई एक भाई को मस्जिद से अरेस्ट किया गया, जैसे खुदा ना खास्ता वो कोई खुदकश बम्बार हो, 3 दिन हब से बेजा में रखा गया और HSB थाने के अंदर वो जगह जहां पे सबसे हार्ड कोर क्रिमिनल्स को रखा जाता है, दूसरे भाई को उसके घर से उठाया गया, FIR फेक है, एक को कोसार थाने में रखा गया, एक को शालेमार थाने में रखा गया. अब मेरी पहली रिक्वेस्ट ये कि इसकी तहकीकात हो, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. नंबर 2, इसको कंसर्न स्टैंडिंग कमिटी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए, इस बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं जी? जनाब एहसन इकबाल साहब. जनाब स्पीकर, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो केस है ये क्रिमिनल उसके अंदर नहीं आता, ये सिविल मामला है जो कि अदालत के अंदर
उनकी तनाज़ चल रहा है कोई प्रॉपर्टी का, और इसके बारे में अगर मेरे फाजल मेंबर को मज़ीद कोई शिकायत है तो मैं उनके साथ मिलकर उसका नोटिस लूँगा, और ये इन्हें फिर यकीन दिलाता हूँ कि किसी सतह के ऊपर इंतज़ामिया में किसी भी पाकिस्तानी शहरी के ख़िलाफ़ तासुब की बिना पे कोई रवैया नहीं रखा जाता। नादरा में जो इन्होंने शिकायत की है उसकी जो बुनियाद है वो ये है कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान की मुहाजर आबादी है, और तकरीबन उनमें से एक बड़ी तादाद ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान की शहरियत हासिल करे या यहाँ पे मुस्तकल सकूनत हासिल करे। अगर ये ऐवान इस बारे में कोई फ़ैसला करता है और एक पॉलिसी बनाता है कि जितने भी अफ़गान मुहाजरीन हैं उनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी जाए, तो फिर ये फ़िल्टर्स ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की शहरियत के कवानीन के तहत जो लोग नॉन सिटीजन्स हैं उनको फ़िल्टर करें, और इसमें किसी भी कीमत पे जो पाकिस्तान में बसने वाली पश्तून आबादी है उसको किसी किस्म का निशाना बनाना मतलूब नहीं है। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजरीन जिन्हें हमने पनाह दी है, मेज़बानी की है एक अपने अख़ुवत के जज्बे के तहत, और हम चाहते हैं कि वो अच्छे अंदाज में अपने वतन वापस जा सकें, उनमें से जो लोग पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश करते हैं उसमें जो छानबीन है वो की जाए, ताकि कोई हमारी शहरियत को गैर कानूनी तौर पे हासिल ना करे। उससे ज़्यादा किसी किस्म का कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिस पर किसी से इम्तियाज़ रवा रखा जाए। जी, इंजीनियर उस्मान खान तरकई साहब टू आस्क वन क्वेश्चन, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर इमरान हटक साहब, जी एक सवाल होता है, आपने तीन कर लिए, वो बाद में कर लें, कॉलिंग टेंशन के बाद आप कर लें, फिर वो सुनेंगे। जी उस्मान खान तरकई साहब नॉट प्रेजेंट, इमरान खटक साहब नॉट प्रेजेंट, इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब टू आस्क वन क्वेश्चन, नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट जी अली मोहम्मद खान साहब। छः फुट का हूँ सर, आपको नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। आपके कोलीग सामने खड़े थे जी। अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हसन इकबाल साहब मौजूद हैं, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकु। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुके में ना पड़ो। और बाबाए कौम जिनकी तस्वीर सामने लगी हुई है, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हिंदुस्तान ने बरपा रखी है। जी आप सवाल कर लें अली मोहम्मद खान साहब। हम पाकिस्तानियों को पश्तून, पंजाबी, बलोची, सिंधी, बरावी किसी ऐसी तकसीम में नहीं पढ़ने देंगे जी। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला आता है तो पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा। पहला तो चूँकि हसन इकबाल साहब खुद मौजूद हैं, इनके साथ एक बदकिस्मत वाक़ा हुआ, उसको हम सब ने कंडेम किया, आज ये ऐवान भी कंडेम करता है। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी हुआ, उसको भी कंडेम करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, उसको भी कंडेम करते हैं। और एक बदकिस्मत वाक़ा मियाँ इमरान खान साहब के खिलाफ करने की कोशिश की गई जिसको नाकाम किया गया, और इत्तला ये हैं कि खुदा न खास्ता कोई राणा सनाउल्लाह साहब के लोग भेजे हुए लोग थे। आप सवाल कर लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूँ कि एसएन साहब जरूर कीजिएगा। आपका जो वाक्य हुआ, सबसे पहले मैं था पूरे पाकिस्तान में जिसने इसको कंडेम किया था, और हमें हकीकी मानों में दुख पहुंचता है। देखें किसी की इज्जत आप सवाल कॉलिंग अटेंशन से करें जी। अब देखें रिसेंट पास्ट में कुछ वाकयात ऐसे हुए जिसको कोई अगर पश्तून का रंग देता है तो गलत है, लेकिन वाकयात हुए हैं पश्तूनों के साथ। सबसे पहला कराची में नकीबुल्ला महसूद का, बहुत अफसोसनाक। फिर लाहौर में हुए, और डिप्टी स्पीकर साहब उस वाक़े के बाद मैं बाजबड़ गया, लाहौर में हुए जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब, नाम भी मुझे याद है, ज़ियाउर रहमान नाम है और एक का अव्वल खान, बाजबड़ एजेंसी के दो बच्चों को शहीद किया गया। मैं फिर उनके जनाजे पे गया, बाजबड़ गया, मेरा इलाका नहीं है बाजबड़, मैं वहाँ पर गया। अभी एक और अहमद शाह को शहीद किया गया, स्टूडेंट है, और उसके फादर टीचर हैं, उसके जो हैं चचा टीचर हैं, आई थिंक ही वॉज बीन मर्डर्ड इन कराची। तो और उसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा मसला आता है, रेशल प्रोफाइलिंग की एक शिकायत आती है, खासकर इस्लामाबाद की विसिनिटी में। और तीसरा ये है कि जब कोई पख्तून, देखें आप भी पख्तूनख्वा से हैं डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी पख्तून इधर आता है उसकी जो वो जो सफेद टोपी पहन के आता है ना, वो उसको उतारनी पड़ती है इधर एंटर होते हुए, उसको चेक किया जाता है।
Why? ہم دیکھیں جی آپ آپ کا سوال کیا ہے Why? میں سب سے پہلے مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں پھر پختون ہوں let me make it very clear ہم ریفرینڈم کے ذریعے پختون خواہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا اور مجھے فخر ہے اس آدمی کا پوتا ہوتے ہوئے جس نے محمد علی جناح کے ساتھ اور ان کے مسلم لیگ میں کام کیا سوال کریں منسٹر صاحب سے ڈیپٹی سپیکر صاحب سوال آپ سے یہ ہے آپ اس ایوان کے سامنے سچ بولیں اور بتائیں کہ کیا ایسے واقعات نہیں ہو رہے کہ مشتبہ افراد میں علاقے کی پختونوں کو پنجاب میں خاص کر ڈال دیا جاتا ہے جی اگر نہیں ہے تو اس کو بہمنٹلی آپ جناب احسن اقبال صاحب جی دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی انجینئر علی محمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی فوری طور پہ کنڈیم کیا تھا جب یہ واقعات شروع ہوئے اور میں نے اس کو اکنالج بھی کیا تھا ہم سب کو بحثیت سیاسی کارکن اختلافات رکھتے ہوئے ایک جمہوری روایات کی پاسداری بھی کرنی ہے اور اپنے ورکرز کی تربیت کرنی ہے کہ وہ اپنے نظریات کو برقرار رکھیں لیکن یہ حوصلہ بردار پیدا کریں کہ مخالف نقطہ نظر کو بھی قبول کر سکیں تو اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا جو پشتون زبان بولنے والے ہمارے پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کسی صوبے میں امتیازی پالیسی ہے میں دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ کوئی ایسی امتیازی پالیسی نہیں ہے اور یہ جو واقعات چند ایک رونما ہوئے ہیں انہوں نے جو بدگمانیاں پیدا کی ہیں اسے دور کرنے کے لیے ہم مختلف اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر یہاں پر جو مختلف صوبائیت کے اوپر کچھ اسٹوڈنٹس کے گروہی اختلافات ہوئے ہم نے خاص طور پہ یونیورسٹی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ نیشنل جو انٹیگریشن ہے جو ہارمنی ہے اس کی اسپرٹ میں ان تمام گروپس کو یکجا کیا جائے اور ان بدمزگیوں کو دور کیا جائے اور یونیورسٹی کا ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں ہم سب اپنی جو بھی زبان یا صوبے کی شناخت ہے اس کو پاکستانی شناخت میں ضم کریں اور ایک خاندان کی طرح ہم رہ سکیں اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے جو واقعات ہوئے میں نے خود وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات چیت کی اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں دور کی جائیں اور ہم وہاں پر بھی ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ کسی قسم کی نہ ریشیل پروفائلنگ ہو نہ ایتھنک پروفائلنگ ہو نہ لنگوسٹک پروفائلنگ ہو نہ ریلیجس پروفائلنگ ہو اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندوستان میں ہماری قوم کی بحثیت مذہب حقوق محفوظ نہیں تھے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں بحثیت قوم مسلمان تسلیم نہیں کیا جا رہا اور ہم مذہبی طور پہ محفوظ نہیں ہیں اس لیے ہم نے پاکستان بنایا اب پاکستان بنا کے اگر یہاں پر کوئی بھی اقلیت خود کو غیر محفوظ تصور کرے تو ہم اس پاکستان بنانے کے تصور کی نفی کر رہے ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا تھا لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ اور لسانی اور نسلی بنیاد پر کسی میں یہ احساس پیدا نہ ہونے دیں کہ وہ پاکستان میں دوسرے درجے کا شہری ہے سب پاکستانی محترم ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو کوئی شکایات پیدا ہوئی ہیں ان کے ازالے کے لیے ہم مزید اقدامات اٹھائیں گے تاکہ اس سوچ کو ملک سے ختم کیا جا سکے جناب اسد عمر صاحب ناٹ پریزنٹ جی آئٹم نمبر 14